सर थोड़ा सा रुकिए। भैया आइए आगे। हाँ इनको बाबू थोड़ा सा इधर बैठो। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, थोड़ा रुक के रहिएगा। सर खाना खाइए यार। निधि है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए जनपद में शीतलहर से बचाव के सभी प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। इसमें हमारे द्वारा अलाव की व्यवस्था, रैनबसरों की व्यवस्था, कम्बल इत्यादि का वितरण, ये सारी व्यवस्थाएं सूचित की जा चुकी है। वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग इसमें लिया जा रहा है। इसी क्रम में आज रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में और शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कम्बल वितरण का कार्य किया गया है। उसी क्रम में आज यहाँ पर हमारे समस्त अधिकारी यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जो जो व्यक्ति नीडी है उसको कम्बल का यहाँ पर वितरण किया गया है। कई लोगों को दिया गया है, 100 से ऊपर की संख्या है और इसके बाद भी अभियान रहेगा और रात में जो भी इसमें हमें लोग मिलते हैं तो हम लोग कम्बल वितरण करेंगे। साथ में रोटरी क्लब भी है और भी संस्थाएं हैं जो भी यहाँ पे काम कर रही हैं, वो सभी शीतलहर से बचाव के संबंध में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है।